करणी सेना भारत के मंडल अध्यक्ष व दो कार्यकर्ता की गिरफ्तारी के साथ इनोवा गाड़ी हुई सीज। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर धरना दे रही करणी सेना भारत के मंडल अध्यक्ष कुंवर देवेंद्र सिंह परिहार सहित दो कार्यकर्ताओं को प्रशासन ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं उनकी इनोवा गाड़ी को सीज कर दिया गया। करणी सेना भारत के मंडल अध्यक्ष देवेंद्र सिंह परिहार करणी सेना भारत के युवा वर्ग के जिलाध्यक्ष प्रकाश सिंह के घर को पोखरे की जमीन बात कर प्रशासन के द्वारा करकट गिराए जाने के बाद जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर आज धरना दे रहे थे। बताते चलें कि करणी सेना भारत के मंडल अध्यक्ष कुंवर देवेंद्र सिंह परिहार के जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन को देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर करणी सेना भारत के मंडल अध्यक्ष कुंवर देवेंद्र सिंह परिहार सहित दो कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं कुंवर देवेंद्र सिंह परिहार की इनोवा गाड़ी को सीज कर दिया। जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय के सामने अनावश्यक बैठ करके तेज आवाज कर रहे थे, जो कि अवैधानिक था, और एक गलत डिमांड की मांग कर रहे थे, जबकि जो अवैध कब्जा हटवाया गया था वो तालाब की जमीन से हटवाया गया था। वो लोग मान नहीं रहे थे, समझाने के बावजूद नहीं माने, इसीलिए इन लोगों को आज यहाँ कलेक्टर परिषद से ले जाया गया। तो कितने लोग ले जाया गया? फिलहाल तो तीन लोग गए हैं, बाकी सब लोग यहाँ से निकल गए, भाग गए हैं। तो तीन लोग हैं, एक तो देवेंद्र सिंह हैं और दो के नाम और हैं। तो ये कौन है? ये लोग ये संगठन से है या क्या? लोग करणी सेना जिंदाबाद करके नारा लगा रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ अब भारत।